अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह यानी 11 से 17 सितंबर तक भाई देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको गौ से बड़ा लगाव होगा, यानी गौ सेवा आप बहुत करने वाले हैं, गाय की सेवा करेंगे, गाय को कुछ खिलाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ भाई बहनों से भी इस सप्ताह आपके अच्छे संबंध हो जाएंगे, भाई बहनों से आपके प्रीति बढ़ जाएगी, कोई नाराज़गी चल रही है तो वो दूर होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपकी रुकी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है, या फिर जो पेमेंट आपकी मिल नहीं रही थी तो आप एक दो बार क्लाइंट को कॉल करेंगे तो आपको मिल सकती है। यानी इस सप्ताह धन के लिए, खासकर रुके हुए धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। तो जहाँ पर भी आपकी मार्केट में पेमेंट फड़ी है उनको फ़ोन कीजिए या फिर उनसे पर्सनली मिल के आइएगा। ये सप्ताह आपकी पेमेंट रिटर्न के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है, यानी रुका हुआ धन इस सप्ताह आपको मिल सकता है क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या विदेश में रह रहे व्यक्ति से कोई संपर्क होगा, वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क होगा या टेलीफोनिक संबंध होगा, यानी विदेश जाने का कुछ लोगों का योग बनेगा, कुछ लोगों का जो उनके मित्र यार दोस्त रिश्तेदार विदेश में रह रहे हैं उनसे संपर्क होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपकी पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति में कुछ ना कुछ रेनोवेशन की आप योजना बनाने वाले हैं, यानी पुराने घर की मरम्मत कराने वाले हैं, उसमें थोड़ा पेंट पॉलिश कराने वाले हैं, या पुराना घर आपका ही है तो उसको ठीक कराने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह अच्छा धन लाभ भी होगा, लेकिन इस सप्ताह मशीनों पे, कंप्यूटर पे, गैजेट पे आपका धन खर्च होने वाला है, यानी उसको आप रिपेयर कराने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए मिश्रित फलदायक ये सप्ताह रहेगा।